हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। आज मैं करने वाला हूँ कैमरा कंपैरिजन Redmi Note 6 Pro का Honor 8X के साथ। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। आपने मुझे कहा था कि आपको इन दोनों फोन्स के बीच में कैमरा कंपैरिजन देखना है। अब आपने कहा है तो करना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन आपके अपने भाई का चैनल है तो इस वीडियो पे आपको मैं 6000 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। बस दिखा दो अपनी ताकत और कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। Redmi Note 6 Pro में AI कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F1.9 अपर्चर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद F2.2 अपर्चर। Honor 8X में 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F1.8 अपर्चर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। ये भी AI फीचर्स के साथ आता है। मैंने काफ़ी सारी इमेजेस कैप्चर करी है डे लाइट में, लो लाइट में, और काफ़ी सारे वीडियो सैंपल भी दिखाए हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए दोनों में से किस फोन का कैमरा बेटर है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। कल काफ़ी सारे चैनल्स पे Realme U1 की अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी और मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, लेकिन अनबॉक्सिंग के साथ साथ स्पेक्स बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या Realme U1 जी हैंडल कर लेता है, इस फोन का कैमरा बेटर है। तो बहुत सारी चीजें मैं ऐड करने वाला हूं अनबॉक्सिंग वीडियो में, तो उस वीडियो को कल जरूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह है एक स्लो मोशन वीडियो सैंपल जो मैंने रिकॉर्ड करा है Redmi Note 6 Pro से 720p 120fps पे, और ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफी सही लगी है। Honor 8X से आप सुपर स्लो मोशन वीडियोस तो रिकॉर्ड कर सकते हो 720p 480fps पे, बट जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी एवरेज लगी है, काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो Honor 8X में आप स्लो मोशन वीडियोस 720p 120fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे, और अगर Honor 8X में आपको फुल HD रेजोल्यूशन पे वीडियोस रिकॉर्ड करनी है फ्रंट कैमरा से तो ब्यूटी मोड को ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कर रखा है। आप देख सकते हो दोनों ही वीडियोस में कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा फ़र्क है। ऑडियो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको ऑडियो स्विच करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए माइक्रोफोन किस फ़ोन का बेटर है। एक बार वीडियो स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं तो मैं आपको भाग के दिखाता हूँ। और मैं भाग रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर दो जब तक। आई होप आपको पता चल गया होगा वीडियो स्टेबलाइजेशन किस फोन की बेटर है। अब चलते हैं लो लाइट कंडीशंस में और देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं लो लाइट कंडीशंस में, और आप देख सकते हो दोनों ही वीडियोस में काफ़ी नॉइस है, स्टिल जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो Honor 8X की मेरे को बेटर लग रही है। Honor 8X में नॉइस थोड़ी कम है और जो कलर्स है वो भी वेल बैलेंस दिख रहे हैं। इन दोनों ही फोन्स में डेडिकेटेड फ्लैश नहीं मिलती है फ्रंट में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेल्फीज जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। ये सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में, और दोनों ही इमेजेस में स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल देखने को मिली है, लेकिन जो डिटेल्स है वो स्लाइटली बेटर है Redmi Note 6 Pro की इमेज में। इस सैम्पल शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो फोरग्राउंड में मेरे फेस पे और बैकग्राउंड में Honor 8X ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट किया है, और जो डायनेमिक रेंज है वो भी Honor 8X थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है। इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हो। Redmi Note 6 Pro में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा तो दिया ही गया है जिसका अपर्चर F2.0 है, लेकिन पोर्ट्रेट सेल्फीज लेने के लिए 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। Honor 8X में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है विद F2.0 अपर्चर, और इसमें सेकेंडरी सेंसर नहीं मिलता फ्रंट में, तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आप देख सकते हो जो रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी क्लियर है। Honor 8X की इमेज में काफ़ी स्मज्ड एजेस देखने को मिली है, लेकिन Redmi Note 6 Pro से आप काफ़ी इंप्रेसिव पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट करता है, बैकग्राउंड में काफ़ी नेचुरल ब्लर देखने को मिला है, और मेन सब्जेक्ट पे इनफ डिटेल्स भी हैं। फाइनली अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है लो लाइट कंडीशंस में, और रूम में रेड कलर का बल्ब ऑन था जिसकी वजह से मेरे फेस पे रेड शेड आ रहा है। आप देख सकते हो Honor 8X की इमेज में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है और Redmi Note 6 Pro की इमेज में नॉइस काफ़ी कम है। इन दोनों फोन्स में डेडिकेटेड फ्लैश तो नहीं मिलती है, डिस्प्ले फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। Honor 8X की डिस्प्ले फ्लैश काफ़ी एग्रेसिवली वर्क करती है, और Redmi Note 6 Pro की डिस्प्ले फ्लैश थोड़ी सॉफ्ट है जिसकी वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा फर्क देखने को मिला है, लेकिन दोनों ही इमेजेस में नॉइस काफ़ी रिड्यूस हो गई है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लो लाइट कंडीशंस में फ्लैश ऑन करके ही इमेजेस कैप्चर करो। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे, बिकॉज इन दोनों ही फ़ोन से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, और कलर कॉन्ट्रास्ट का भी थोड़ा सा फ़र्क है। एक बार ऑटो फोकस चेक करते हैं।
और दोनों ही फ़ोन्स में डेलाइट में ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इनफैक्ट रेडमी नोट 6 प्रो में तो डुअल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी दिया गया है, तो फोकसिंग स्पीड थोड़ी सी मेरे को फास्ट लग रही है रेडमी नोट 6 प्रो की। एक बार एक्सपोजर एडजस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। और एक्सपोजर भी ठीक से एडजस्ट कर पा रहे हैं दोनों फ़ोन्स। Redmi Note 6 Pro में gyroscope based electronic image stabilization भी मिल जाती है, लेकिन Honor 8X में किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। तो मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ और आप क्लियरली देख सकते हो जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो Redmi Note 6 Pro की एक्चुअली में काफ़ी बेटर है। इन दोनों फ़ोन से आप AI मोड ऑन करके भी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। ये सैम्पल शॉट मैंने AI मोड ऑफ करके कैप्चर किया था और सेम इमेज मैंने कैप्चर करी है AI मोड ऑन करके। ज़्यादा डिफरेंस डिटेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ AI मोड ऑन करने से ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली AI मोड ज़्यादा यूजफुल नहीं लगा और मैंने पूरा कैमरा कंपेरिजन AI मोड ऑफ करके ही किया है। यह है कुछ मैक्रो शॉट्स जो मैंने कैप्चर करे थे डेलाइट कंडीशंस में, और मैक्रो शॉट्स कैप्चर करते टाइम दोनों फोन्स का ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क करता है। आप देख सकते हो जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिला है दोनों ही इमेजेस में। इनफैक्ट जो डिटेल्स है उसमें भी कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है, स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो Redmi Note 6 Pro की इमेज में स्लाइटली बेटर डिटेल्स देखने को मिली है। अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से दोनों फोन्स की डायनेमिक रेंज चेक करने के लिए, और इस सैम्पल शॉट में आप डार्क एरियाज में ध्यान से नोटिस करना जो हाइलाइट्स हैं वो वेल मेंटेन्ड देखने को मिली है Redmi Note 6 Pro की इमेज में। ओवरऑल स्लाइटली बेटर डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है Redmi Note 6 Pro। जो डिटेल्स है वो दोनों ही इमेजेस में इनफ है। Redmi Note 6 Pro में 5 megapixel depth sensor मिलता है और Honor 8X में 2 megapixel depth sensor दिया गया है। यह है कुछ portrait shots जो मैंने capture करे हैं daylight conditions में, और मुझे personally Redmi Note 6 Pro का portrait mode actually में काफ़ी better लगा है, because आप देख सकते हो जो skin tones हैं वो काफ़ी natural है Note 6 Pro में, और main subject भी well exposed आया है। Honor 8X थोड़ा स्ट्रगल करता है वाइट बैलेंस एडजस्ट करने में। इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी ऑन पॉइंट देखने को मिली है Redmi Note 6 Pro में। आप देख सकते हो सैम्पल शॉट में Honor 8X ने मेरी राइट आर्म को बैकग्राउंड के साथ ब्लर कर दिया है। अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी थी इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में, और आर्टिफिशियल लाइटिंग में मेरे लिए किसी एक को पिक करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिले हैं दोनों ही इमेजेस में। इनफ डिटेल्स हैं और कलर कॉन्ट्रास्ट का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं लो लाइट कंडीशंस में, और दोनों ही वीडियोस में नॉइस है। Honor 8X में नॉइस थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो मेरे को थोड़ी बेटर लग रही है Redmi Note 6 Pro की। अब ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं एक बार। ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन Honor 8X में वीडियो काफ़ी डार्क बन रही है। फाइनली अब ये कुछ इमेजेस मैंने कैप्चर करी है लो लाइट कंडीशंस में, और इस सैम्पल शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा शार्प है Redmi Note 6 Pro की इमेज में। इवन इस सैम्पल शॉट में जो नॉइस है वो भी Honor 8X की इमेज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Redmi Note 6 Pro। Honor 8X में नाइट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये इमेज ऑटो मोड से कैप्चर करी है, और अब ये सेम इमेज जब मैंने नाइट मोड ऑन करके कैप्चर करी तो Honor 8X डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इमेज है वो वेल एक्सपोज देखने को मिलती है। हालांकि इमेज थोड़ी अननेचुरल लगती है बिकॉज जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा बूस्टेड है, और इमेज में ओवर शार्पनिंग भी देखने को मिली है। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की इमेजेस लो लाइट में पसंद आएंगी, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही फोन्स की इमेज क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। आप देख सकते हो नॉइस काफ़ी रिड्यूस हो गई है, और लो लाइट में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि दोनों ही फोन से फ्लैश ऑन करके ही इमेजेस कैप्चर करो। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।